नागौर के खींवसर में उपचुनाव की तैयारियों के दौरान एक हाई वोल्टेज ड्रामा की चर्चा जोरों पर है। दरअसल गुरुवार को पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, पूर्व डीआईजी सवाई सिंह चौधरी और किसान नेता विजय पुनिया की मौजूदगी में भाजपा के दिग्गज नेताओं शंकरलाल चांडक और कालूराम सहित कई मंडल अध्यक्षों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। शंकरलाल चांडक भाजपा के मंडल अध्यक्ष और चाणक्य माने जाते हैं। कांग्रेस में शामिल होने की बात सामने आने के बाद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें जैसे तैसे मनाया। इसके बाद शंकरलाल ने एक वीडियो वायरल कर कांग्रेस में जाने का खंडन कर दिया। आपको बता दें कि दुर्ग सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद रालपा के खींवसर विधानसभा समझौते के नाम पर भाजपा नेताओं के विरोध का एक अभियान सच चल रहा है। आज जो न्यूज आई है कि शंकरलाल चांडक ने बीजेपी छोड़ दी, लेकिन मैंने ना तो कभी सपने में बीजेपी छोड़ी और न छोड़ने का इरादा करता हूँ। जो न्यूज आई है वो गलत आई है, किसी स्वार्थ तत्व का ये कारनामा है। हम क्यों बीजेपी छोड़ें? हम 60 साल से बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहेंगे भी।